रज्जापटावृते नित्यं सारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते। परसों माँ का जन्मदिन था और यहाँ अभी माँ विराजित है, तो उचित ही होगा कि हम माँ शारदा के संबंध में विचार करें। और मैंने जो विषय लिया है माँ के संबंध में वो है लज्जावृता माँ शारदा। कितने बार हम लोग पढ़ते हैं साक्षात किया जाए, ये अपने आप में एक माँ शारदा का अत्यंत महत्वपूर्ण सुंदर गुण, बहुत ही सुंदर है वो। माँ के माँ का स्वरूप को इतनी अच्छी तरह वर्णित करता है, ये हम देखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी शारदानंद जी माँ शारदा के अंतरंग सेवक थे। लगभग 8-10 वर्षों तक उद्बोधन ने उन्होंने माँ की सेवा की थी। और एक बार उनसे पूछा गया, महाराज आप माँ के संबंध में कुछ किताब लिख दीजिए। क्या किया उन्होंने मालूम है ना? चुपचाप रहे। फिर क्या बोले आगे? रंगमयी रंग देखे अवाक होए छी, हासिबो की कांदिबो एई बोशे बिबे अच्छी, रहिलाम काछे काछे फिरलाम काछे खाचे, किचु ना बुझे एकोन हार मैंने छी। मैंने मैं हार गया हूँ। विचित्र रंगमयी के रंग लीला विचित्र लिखा, सुबह कड़े सुबह शाम नष्ट कर रही हैं बना रही हैं, समझ ले आप। फिर ठीक जैसे मानो बच्चा खेलता है उस प्रकार संसार को कर रही है, ये उन्होंने बता दिया। और आश्चर्य है कि सचमुच उन्होंने माँ शारदा के बारे में कुछ नहीं लीला लीला प्रसंग लिख डाला। और ये सबसे अधिक जानते थे, माँ के साथ इतने निकट रहे थे, फिर भी नहीं लिखा। एक विचित्र बात है। और अगर माँ शारदानंद जी अगर उनको नहीं समझ सके तो हम क्या समझ सकेंगे? हैं? हाँ, लेकिन ब्रह्मेशानंद जी ने इतना समझा है कि उन्होंने एक पुस्तक लिख दी है मातृधर। हे भगवान तो उसी पुस्तक में से आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। और ये माँ शारदा का जो जीवन का एक पक्ष है लज्जावृता माँ, अपने आप में बहुत अच्छा है, गंभीर है। उसको पढ़ने से हम बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें समझ सकेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता, बात नहीं करता। लज्जावृता ठीक है, वो आवृत रहती थी, खास जान पाते थे लोग वो, इसलिए उनका स्वरूप, उनका चरित्र, यहाँ तक कि उनका जीवन, उनका शरीर, ये सब के सब जो हैं वो आवृत है। अत्यंत लज्जावृता थी ना, अत्यंत लज्जावृता। स्वामी शारदानंद जी के पास जो वो उनके संतान के तुल्य थे, उनके पास भी जाती थी तो माँ शारदानंद जी आते थे तो हाँ घूंघट खोली। बाकी लोग हैं महिलाओं के सामने तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक कोई भी पुरुष आया था घूंघट लेते। और ठाकुर शारदानंद जी कहते थे कि माँ मेरे सामने भी ऐसे घूंघट खींचती है मानो मैं ससुर। दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में रहती थी, वो सुबह स्नान वान करके जो चली जाती थी वो रात को निकलती थी, या दोपहर को जब सब लोग अपने कमरे में आराम करते थे तब वहाँ निकलती थी। उसके बाद पता ही नहीं चलता था। खजांची कहता था कि मुझे मालूम नहीं कि वो यहाँ पे रहती हैं, कभी मैंने देखा नहीं है।
और माँ ने प्रशंसा की, ठाकुर ने प्रशंसा की थी कि अरे ये गांव के रहने वाले यहाँ, वो तो गांव में अच्छंद घूमते हैं, यहाँ कैसे रह सकेगी। और माँ ने व्याकुल होकर प्रार्थना की थी कि माँ उनके मुंह से बात निकली है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बाहर लोग मुझे देख सकें। प्रार्थना की थी कि मुझे मेरा यानी मेरे जो ये लज्जा है उसकी रक्षा करें। अब माँ की महासमाधि के बाद वो अधिकांश जयराम बाटी में रहती थी, उनके भक्त लोग यानी भक्त लोग जानते थे कि भगवती हैं, बातचीत नहीं करते थे, उनका फोटो मिलता ही नहीं था। यहाँ तक कि उनके जो अंतरंग दीक्षित शिष्य थे उनको भी बड़ी मुश्किल से उनका चित्र मिलता था। स्वामी विवेकानंद माँ शारदा के बारे में बात नहीं करते थे और माँ शारदा के संबंध में बहुत कम साहित्य उपलब्ध था। वही बहुत दिनों बाद माँ की बातें जो हैं मायर कथा एक्सेट्रा वो बाद में निकली थी। अभी भी स्वामी चेतनानंद जी ने एक बड़ी किताब निकाली है, थोड़े संस्मरण वगैरह निकले हैं, उसके अलावा पाना मुश्किल मुश्किल है। श्री रामकृष्ण कहते थे जिस प्रकार राख के ढली हुई बिल्ली है अत्यंत पहचानना कठिन है, उसी प्रकार माँ शारदा को समझना कठिन है। तो अपने स्वरूप गुणों को माँ ने पूर्ण रूप से आवृत कर रखा था और अपने शरीर को भी उन्होंने एक घूंघट, पूछा जाए तो एक तीन प्रकार के उनके वो था, एक तो घूंघट शरीर के ऊपर, दूसरा उनके साथ में अंतरंग उनके जो थे गुलाब माँ योगेन माँ इत्यादि जो उनको कवर करके रखते थे, उनके पास जाना बहुत मुश्किल था। और इस प्रकार से उनका चरित्र और स्वरूप आवृत था। अब हम थोड़ा देखने का करें प्रयत्न करेंगे कि वो क्या कैसे पता चले। पारमार्थिक दृष्टि से माँ जगत जननी, या आप कहिए माया, माया स्वरूपिणी, प्रकृतिम परमम, परम प्रकृति, वो जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली है, जिसको माया कहा है वे है। उसके साथ में यानी ब्रह्म के साथ जगत के ब्रह्म की जो शक्ति है उस प्रकार की है, जैसा अभी मैंने श्लोक में कहा यथा अग्निर्दाहिका शक्ति, उस प्रकार ठाकुर के साथ में अभिन्न रूप से विद्यमान है। और कहते हैं कि ब्रह्म की दो शक्ति है, तो आवरण शक्ति होती है और विक्षेप शक्ति है, और ये आवरण शक्ति के द्वारा ब्रह्म जो है उस माया के द्वारा संसार के लोगों को आवृत कर लेते हैं और उसके बाद में विक्षेप शक्ति से जगत का प्रपंच उत्पन्न करते हैं। ये उसका एक वो है कि एक रस्सी है, एक सांप है, तो वो आवरण से उसके स्वरूप ढक जाता है और विक्षेप से उसमें रस्सी बन जाती है और उससे लोग, नहीं वो रस्सी है वो सांप बन जाती है, तो उससे हम भागने लग जाते हैं। अच्छा, इसी प्रकार का दृष्टिपटन पाते हैं हम सीता का। सीता भी जो है वो माँ राम की आवरण शक्ति, वर्णन आता है कि लक्ष्मण राम और सीता जा रहे हैं और वो बीच में सीता आ रही हैं, उसके कारण लक्ष्मण जो है वो राम को नहीं देख पा रहे हैं। तो माँ शारदा भी स्वरूपतः माया आवरण शक्ति और बीच बीच में उसका प्रकट हो जाया करता था, कभी कभी वह बोल देती थी। एक बार माँ शारदा अपने भांजे भांजी राधु इत्यादि को लेकर हमेशा लगी रहती थी, गुलाब माँ से अपना कपड़ा सिलवा रही थी, कह रही थी ऐसे सांसारिक पूरा सांसारिक वातावरण, इसमें एक व्यक्ति एक महिला आई और उसको देख कर बोली माँ को कि देखती हूँ कि तुम तो बहुत माया में बद्ध हो। माँ के मुँह से निकल पड़ा, क्या निकला, मैं तो खुद ही माया हूँ। उस प्रकार का एक और बात निकला था, वो जैसे हम कहते हैं
ये तो हुआ पारमार्थिक दृष्टि से माँ माया है और कभी कभी उसका मैनिफेस्टेशन हो गया। दूसरी एक कई घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी सुंदर घटनाएं हैं। एक बार जयराम बाटी में दो भाई लड़ रहे हैं, उनके भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं कुछ जमीन को दे के, ये तेरी जमीन है मेरी जमीन है, ये कोई यहाँ माना ऐसा ऐसा सब, और माँ उसको रोक रही, तोर दोष मत, तू मत करना, तो तेरा दोष तेरा दोष, और माँ उत्तेजित हो रही उत्तेजित। अचानक उनको याद आ रही ये क्या मैं कर रही, चुप हो गई और फिर जोर जोर से हंसने लग गई, अट्टाहास करके हंसने लग गई। और एक स्वामी जी जो पास में थे वो बेचारे घबरा गए, यानी जैसे एक महान देवी शक्ति स्वरूपिणी हो, बगला जैसे माँ स्वयं कहती थी कि मैं बगला हूँ, वो आए संवर संवर, अपने को अपने आप को संवरण करो। हाँ, फिर दक्षिण में गई थी, लौट के आई बोल क्या बोला, रामेश्वर को देखा, बाद में याद कहा था जैसा रखा था वैसा ही पा। तो ये तो हुआ माँ का सीता का स्वरूप। तो ये दो हो गए, एक तो हुआ माया स्वरूप पारमार्थिक दृष्टि से, उसके बाद में आधिदैविक दृष्टि से देवता के रूप में माँ कई शक्तियों के प्रतीक हैं। शारदा, श्री राम कृष्ण कहते थे माँ शारदा हैं, सरस्वती ज्ञान देने के लिए आई हैं, उसको श्रृंगार करना इसलिए अच्छा लगता है, लेकिन उसने अपना स्वरूप ढक लिया है लोगों का। अगर मैं अपना उसका स्वरूप पूरा व्यक्त करूं तो लोग बुरी निगाह से देखकर उनका अकल्याण होगा, इसलिए उन्होंने अपने रूप को ढक लिया है। उसके बाद अद्भुतानंद जी कहते थे माँ है लक्ष्मी, स्वामी अद्भुतानंद कहते थे माँ लक्ष्मी है, स्वामी विवेकानंद बगला का अवतार कहते थे। और एक बार अभ्यक्त हुआ था किसको, किसको माँ ने पनिश किया था, हरीश, हरीश वो तो पागल हो गया था और माँ के पीछे दौड़ा था, तो माँ ने उसको पकड़ के और अच्छी तरह पीटा था। फिर सीता की बात हमने कह दी, उसके बाद कलकत्ते में जा रही थी, दक्षिणेश्वर से अपने साथियों से पिछड़ गई वो तेलो भलो के मकान में, और वहाँ पर वो एक डाकू से मुलाकात हो गई, उसके बाद में उसने उन्हें विश्राम कराया, उसके बाद में वो बदल गया, बहुत भयानक डाकू था लेकिन वो बदल गया। और फिर उसने कहा था कि मैं माँ ने मैंने माँ में काली का बड़ रूप देखा। तो इस प्रकार माँ कई देवताओं के स्वरूप था, लेकिन अगर वे अपना स्वरूप व्यक्त करें तो काम नहीं चल सकता, दैट इज द पॉइंट। इसलिए उसको उनको आवृत करके रखना पड़ता है। अर्जुन तो भगवान का दिव्य रूप देख लिया, बस उसके बाद कहा इसको वापस ले लीजिए, बिना उसके मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो अर्जुन ने देखा कि भगवान ने अपने स्वरूप से दिखा दिया कि उन्होंने सबका संहार कर दिया है, मैं ये व निहिता सर्वमेत निमित्र मात्रम भव सब, तो वो अधिक समय तक नहीं रहते। इसीलिए श्री रामकृष्ण भी कहते थे कि वो देवी है लेकिन कर्म करना है तो उसको उसी तरह से वो स्वरूप उसका न जाने तो ही ठीक है। फिर माँ शारदा का एक दूसरा पक्ष है, और वो है राधु, राधु हुई योग माया, और उससे आसक्ति के माध्यम से माँ अपने स्वरूप को मानो भूल गई और संसार में वो रही, जैसे भगवान श्री कृष्ण रहे अर्जुन रहे स्वरूप को भूल कर उन्होंने सारी लीला की, उस प्रकार से माँ शारदा कहते हैं कि जब राधु नहीं आई थी उसके पहले माँ का स्वरूप रूप तो छा बड़ा सुंदर था,
अत्यंत तेजस्वी लगती थी, आकर्षक लगती थी। उसके बाद उनके जीवन में जब राधु आई, उसके बाद से उनका जो चेहरा था गया, इतना तेजस्वी था कि लोग उनके पास जा नहीं पाते थे। कभी कभी व्यक्त हो जाता था। ज्ञानदायिनी सरस्वती लेकिन निर्धन, धनेश्वरी प्रदायिनी देवी लक्ष्मी लेकिन, ओ ज्ञानदायिनी निरक्षरा और लक्ष्मी लेकिन निर्धन, डरती डर अरे अभया बगला हैं लेकिन, वरा भय करा माँ है लेकिन, ओ लोग जो आते हैं वो वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो माँ डरती है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। एक पुलिस वाले ने आके कहा कि आके इंस्पेक्ट कर जाते हैं आपके यहाँ पे, तो कोई डर तो नहीं लगता है? किसी ने कहा कि नहीं नहीं डर, कहते नहीं नहीं माँ बाबा मेरे को डर लगता है। इतना अजीब सुंदर लगता है कि ये वरा भय करा माँ काली स्वयं है और वो कहती है मुझे बड़ा डर लगता है, और बगला है लेकिन एकदम भीषण देवी है लेकिन अत्यंत कोमल। अगर मन की दृष्टि से देखें, अगर कोई उनको देवी भगवती कहता तो माँ प्रतिकार कर देती थी, वहां से उठ के चली जाया करती थी। कहते थे मुझे नहीं पुकारो, ठाकुर को ही पुकारना। कभी कभी कह देती थी, बोल देती थी मुझे पुकारना, तब इनकी योगी माँ सर इत्यादि पकड़ लेती थी, माँ क्या बोला तुमने? ये नहीं नहीं मैं कह रही थी कि ये ठाकुर को पुकार। अंबिका अंबिका कहता है ना चौकीदार कि माँ लोग कहते हैं तुम काली हो, करे तुम ये सोचो मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बहन शारदा हूँ और तुम्हारे तुम मेरे भाई अंबिका। चरित्र की दृष्टि से भी माँ में आध्यात्मिक गुणों से महान संत थी, भाव दर्शन सविकल निर्विकल समाधि इत्यादि हुई थी उनको, लेकिन आदर्श गुरु भी थी। गुरु के समय उनको बिल्कुल परिवर्तित हो जाती थी, लेकिन उनके प्रत्येक शिष्य के इष्ट को पहचान सकती थी, बिना आसानी से पहचान लेती थी सब, यानी उत्तम श्रेष्ठतम आध्यात्मिक गुरु थी। और मजेदार बात यह होता था कि जब गुरु होती थी उस समय उस स्थिति पर आ जाती थी, उनका परिवर्तन हो जाता और नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही वो दीक्षा से चाहे चलो खाने चलो, उसके बाद में वो सामान्य नारी हो जाती थी, माँ हो जाती थी। अब राधु के प्रति घोर आसक्ति, खाने पीने के प्रति रुचि, फलानी फलानी खाना, बीमार है तब भी कुछ एक स्पेशल डिश खाने की इच्छा होती है। फोड़ा हो गया चीरना पड़ेगा, बाप रे असंभव नहीं कर सकते, आने ही नहीं देंगे, डॉक्टर को देखने ही नहीं देंगे। वो फिर उसने क्या नाम था, क्या नाम था उनका सेवक, सेवक क्या नाम था? नहीं नहीं जो कटा था जो ज्ञान महाराज, नहीं ज्ञान महाराज वो जो उनके साथ में थे आशु, आशु तो डॉक्टर को बुला लाया और माँ ऐसे छुड़े हैं, फिर उसको डॉक्टर को ऐसा डर फट से काट दिया, माँ क्षमा करना। तो ये ऐसी बिल्कुल गांव जैसी, और बाप रे बाप, लोगों कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, क्रोध मोह भय सब हैं। साधु जी गुण तो दिखाई नहीं देते हैं, बाप रे। ऐसे में माँ को समझना कितना कठिन।
तो ये हुआ उनके चरित्र, उनका स्वरूप आवृत, उनका जो आदि भौत आदि दैविक स्वरूप है वो भी आवृत, उनके चरित्र के गुण जो हैं वो आवृत हैं, और उनका शरीर शरीर भी तीन आवरण हैं। पहला घूंघट, कमरे में बंद। दूसरा शारदानंद जी को क्रॉस करके जा नहीं सकते, वो बड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद अंतरंग है, गुलाब माँ, योगेन माँ, इनको भेद कर माँ के पास जाना अत्यंत कठिन। तो माँ शारदा, ये मैंने जो कहा कि उनके स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप, आदि भौतिक स्वरूप, आदि दैविक स्वरूप और चरित्र इत्यादि सब के सब आवरण में हैं, लज्जा प्रदान। अब ऐसे में माँ के स्वरूप को कैसे पहचानना, दैट इज याद रखिए। एक इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण याद चीज हम रखना चाहिए कि हम सभी पर वे आवरण हैं, याद रखिए। पारमार्थिक दृष्टि से हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन तीन गुणों का बढ़िया आवरण, तीन गुणों का, पांच शरीरों का बढ़िया आवरण है, हम नहीं जान पाए। दैविक स्वरूप तो हमारा नहीं है, आधी आध्यात्मिक स्वरूप है। चरित्र थोड़े व्यक्त होते हैं, तभी व्यक्त नहीं होते हैं, हमें दुर्गुण भरे हुए हैं। और शरीर जो हमारा एक्सपोज्ड है, उससे क्या लेना देना। लेकिन याद रखिए, हमारे मन पर भी ये सब वो आवरण पड़े हुए हैं। हम भी भले ही हम बाहरी दृष्टि से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ, मैंने अपने ऊपर एक आवरण बना रखा है। लोग मुझे जैसा जानते हैं वैसा मैं नहीं हूँ, जानते हैं ना ये सब चीज़ें। तो इसको अगर हमें दूर जानना है, माँ को जानना है, तो सबसे पहले हमें अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। अपने ऊपर जो सुल आवरण है उनको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। लज्जा घृणा भय तीन थाकते नय, ठाकुर कहते थे। माँ शारदा ने सावधानी से अपने गुणों और संचोतित गुणों को लज्जा घृणा भय इत्यादि से आवृत किया था, लेकिन हमारे लिए लज्जा घृणा भय ये आवरण हैं। माँ भय से आवृत हो गई थी, लज्जा से आवृत होना था, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, क्या क्या सब। तो उनको दूर करने के लिए पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और अगर हमारे मन से, मन बुद्धि और आत्मा पर चाहे हुए दोष हटते जाएंगे, तो हम माँ को समझने लगेंगे। अद्भुतानंद जी कहते थे कि माँ तथा उनकी कृपा को समझने के लिए महान तपस्या की आवश्यकता है, याद रखें। और वास्तविक उनका स्वरूप श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मा जी इत्यादि ही समझ सके थे, आप जानते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट कर आए थे, माँ से मिलने जा रहे थे, जान रहे हैं ना आप। तो वो पानी पीते जा रहे हैं, पानी ऊपर से डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं महाराज? अरे माँ से मिलने जा रहा हूँ, मैं विदेश में गया हूँ, पता नहीं कितने कितने दोष मुझे में लगे हैं, अपने को पवित्र कर। बाबा जी, पवित्रता स्वरूपिणी तो माँ है ही, उसका एक दूसरा ही विषय हो जाता है। यहाँ तक कहती हैं गंगा स्नान करूंगी, गंगा स्नान मत करो, ठंड है, नहीं बिना उसके के मुझे छू। तो माँ को समझना अत्यंत कठिन। ठाकुर ने माँ को पहचाना था, षोड़शी पूजा की थी। एक दिन गलती से माँ ने ठाकुर को तू बोल दिया, माँ को
ठाकुर ने माँ को तू भूल गया तो उनको बाप रे कितनी अवस्था हो गई, माफ़ी मांगते रहे। स्वामी विवेकानंद की बात हमने कर ली, और कभी कभी बीच में मुंह से निकल जाता था माँ को। एक भक्त से उन्होंने अचानक कह दिया था मुझे पुकारना, शिवराम से उन्होंने कहा था जयराम बाटी जाते हुए स्वरूप अपना मैनिफेस्ट किया था, शिव मालूम है ना, वो पीछे चल रहे थे तो कह रहे क्या हुआ देर से पीछे क्यों चल रहा है, रुक क्यों गया, अच्छा तुम ये बताओ तुम कौन है, मैं तुम्हारी तुम्हारी चाची हूँ, अच्छा तो जाओ, अरे बोलो ना तुम्हें चाची हूँ, बार बार जब बार बार कहा तब अंत में बल उसने कि ठीक है मैं क्या कहा काली। पगली मामी बहुत तंग करती थी, माँ ने चेतावनी देकर कहा का तंग मत कर, यदि मैं रुष्ट हो जाऊं तो ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी तुझे नहीं बचा सकेगा। लेकिन माँ दरिद्र हैं और लक्ष्मी हैं, इसका कैसे करेंगे, निरक्षर हैं सरस्वती है, भयभीत है काली कैसे होगा, भीषण बगला और माँ मृदु स्वभाव है, थोड़ा विचार करने से पता चल जाएगा निरक्षर भयाकुलता इत्यादि होते हुए भी माँ दूसरों को समृद्धि प्रदान कर सकती थी। बेलूर मठ की समृद्धि माँ शारदा की कृपा से। माँ ने प्रार्थना कर करके कहा कि इनका कुछ समृद्धि होए, माँ समृद्धि की तरफ से। अनपढ़ थी लेकिन कितने ही शिष्यों को सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकती थी, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद की शंकाओं का समाधान कर सकती थी। स्वामी जी ने कहा कि इस ये फेनिन फेमिन रिलीफ के लिए मठ को बेच देंगे, माँ ने कहा ये कैसे होगा, क्या एक ही रिलीफ में मठ चला जाएगा। स्वयं भय वाली हैं लेकिन सबको कहती हैं कि सदा याद रखना भय कभी मत करना कि तुम्हारी एक माँ है, बड़ी विचित्र बात है। आध्यात्मिक स्वरूप का कैसे समझें, क्या पहले समझ में नहीं आया उसको क्या बोल रहे हैं। योगिन माँ तक को शंका हो गई थी, इतनी आसक्ति में हैं, और अचानक श्री राम कृष्ण ने डरते हुए दर्शन देकर कहा था, क्या कहा था, देखो गंगा में नवजात शिशु का शरीर बह रहा है, उसी है गंगा पवित्र होती है, माँ को उसी तरह जानना, बाहर से कुछ भी होवे माँ में कोई पाप नहीं लग सकता। और फिर माँ ने क्या कहा था, माँ ने स्वयं कहा था कि आसक्ति प्रतीत होवे, लेकिन क्यों होता है ये, जिसको साधक होता है उसका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि जिस पर लगाता है वो आसक्ति जैसा प्रतीत होता है। राधु पर मन लगाया तो ऐसा लगता है जैसे राधु के साथ पूरा लग गया, लेकिन ये मन शुद्ध होने के कारण ऐसा लगा। और जब इच्छा हुई अंतिम समय में राधु से इतनी आसक्ति कि ऐसी राशि थी वो बिना उसके पास में सोए नहीं तो नींद नहीं आए, ये तो आप लोग माता हैं आप लोग समझ सकती हैं,
उसको ले जाओ, मैं देखना तक नहीं चाहते। ये क्यों? कितना शुद्ध है उनका मन, इतना सूक्ष्म है, इसलिए आसक्ति नहीं। मां रोती थी, दुख कष्ट कितना होता है, ये सब उन्होंने दूसरों के लिए किया, स्वयं दुख और कष्ट उनको कुछ नहीं था। स्वयं खुद ही बोलते थे ना, मैं सोचते हैं मुझे तो कुछ कष्ट नहीं है, ये लोग सब इतना सब बोलते हैं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। वो अपने स्वरूप में ऐसे प्रतिष्ठित थे कि दूसरों की के लिए रोती थी, स्वयं के लिए नहीं। इमने इच्छा से दूसरों के कष्टों को अपने शरीर पर लिया था। सच पूछा जाए, ये अवतार हैं तो इसी के लिए आते हैं, दूसरों के दुख दूर करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, यही आते हैं। और उसको लोग समझते हैं कि उनमें दुख है, इसलिए उनमें दुख नहीं होते, दूसरों के दुख उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। वो भीतरी पानी की रेखा के समान थे, और रुचि तो बालक जैसी रुचि होती, तो ये खाऊंगी वो खाऊंगी ऐसा ऐसा करता। और सच पूछा जाए तो ये जो है वे उनके आभूषण हो जाते हैं, जैसे एक तिल होवे तो ब्यूटी, शरीर चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। विकारोपि शाग्य भुवन भय भंग व्यवसिन, शिव जी के लिए है शिव महिमा स्त्रोत्र में, कि जो भुवन के भयों का भंग करने वाले हैं शिव जी और ऐसे महापुरुष, उनके विकार भी जो हैं वो उनके ब्यूटी को मानो बढ़ाते हैं। इस प्रकार से अगर हम थोड़ी सी गहराई से देखें तो उनमें हमें महान सद्गुण भी मिलेंगे, उनका स्वरूप भी समझ में आएगा, और ऐसा लगता है कि उनको गुणों को छिपाने के पीछे कोई न कोई गंभीर उद्देश्य है। मानो यह द्योतक यह बताता है कि साधु का अर्थ गुणों की विशेषता या अभिव्यक्ति करना नहीं है, बल्कि छिपाना है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, गुणों को व्यक्त नहीं करना, अंदर ही रहना ही ठीक है। हृदय की विशेषता एवं दूसरों के दुख कष्ट समझ पाना बहुत महान चीज है, यह एक महानता का दंड है, मापदंड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, माँ में अहंकार बिल्कुल नहीं, स्वयं को बिल्कुल अपने स्वरूप को जानते हैं। सच पूछा जाए जो लोग, तो उसमें ये सांसारिक प्रकार का अहंकार नहीं होता। इसलिए संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि माँ का स्वरूप समझना बहुत कठिन, स्वरूप परम माया स्वरूपिणी थी, भगवती थी, फिर आध्यात्म आधिभौतिक दृष्टि से, आधिदैविक दृष्टि से लक्ष्मी, सरस्वती, काली इत्यादि थी, महान सद्गुणों वाली एक संत थी, और एक सामान्य नारी भी थी, माता थी, जगत जननी थी। लेकिन उनके स्वरूप को समझना उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। उनकी कृपा से जब अज्ञान दूर हो जाएगा तभी हम उनको ठीक ठीक समझने सकेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हम पर कृपा करके अपना स्वरूप हमको व्यक्त करके बता। तो संक्षेप में मैंने कहा यह लज्जा पटावरा वृता माँ का स्वरूप है, इसके बारे में मैं बात करूँ। और भी कुछ लिखा है, और मैं तो थोड़ा सा 5 मिनट और कह के समाप्त करूँगा। वो यह है कि मेरी जयराम बाटी में 3 यात्राएं बता दूँ, हैं छोट कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है उसमें। पहली बार गया जब यतीश्वरानंद जी का शरीर गया, सप्तमेनिवेशन ज्वाइन नहीं किया था, डॉक्टर था, 1966 में बेलूर मठ गया पहली बार। और उसके बाद मैंने सोचा कि जयराम बाटी जाएंगे, जयराम बाटी का मार्गुकुल जाएंगे। उसमें मेरी माँ भी वहाँ पे थी, हम दोनों
ट्रेन से गए, अब तो पहली बार बंगाल की ट्रेन, कलकत्ता की ट्रेन, कभी अनुभव नहीं, खूब भीड़। तो माँ तो किसी तरह बैठी, बाकी समय में तारकपुर तक मैं खड़ा खड़ा गया। उसके बाद मैं समझ गया, उसके बाद मैं तारकपुर से उतर के दौड़ कर मैं बस में बैठ गया। माँ से कहा तू फिर धीरे धीरे आओ, फिर आके माँ को एक साथ जगह, हम दोनों बैठे। उसके बाद में कहे आरामबाग गए, आरामबाग से क्या किया, कहाँ तक गए इसमें था जो भी हो। उसके बाद कामारपुकुर पहुँचे, कामारपुकुर सब देखा, महाराज ने भोग प्रसाद दिया। उसके बाद विश्राम करके जयराम बाटी गए, जयराम बाटी देखा और शाम तक वापस लौट आए। ये पहली बार हुआ। दूसरी बार 1980 में संन्यास के बाद हम 7-8 सन्यासी लोग एक साथ हम लोग वो ट्रेन में गए, साथ गए। एक दो दिन जयराम कामारपुकुर में शायद रह गए थे, दूसरे दिन जयराम बाटी गए थे, ऐसा एक दो दिन ठहर के और वापस ले रहे। तीसरी बार जब मैं गया, मैं यहाँ पे था उस समय, तो संन्यास हो गया था, तो हो ही गया था। और तब जब गया तब माँ का शरीर मेरा चला गया था, यहीं माँ चली गई थी 1996-97 में। तब गया मैं और जयराम बेलूर मठ से आत्मस्थानंद जी मुझे लेकर कार में गए। इस बार कार में कामारपुकुर गए, भोजन वोजन किया, सब कुछ किया, VIP ट्रीटमेंट सब किया। और जयराम बाटी पहुँच कर जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करके सिर उठाया तो मेरी माँ बैठी हुई, बताया था मेरे साथ बताऊँ, मेरी माँ बैठी हुई, बिल्कुल लग रहा अरे उसके पहले नहीं, 3 बार 2 बार गया हूँ उसको। अच्छा उसके बाद मेरी बात नहीं है, मैं फोटो लेके आया माँ का, वही मूर्ति का, और मैंने मेरी दीदी हैं, कजिन सिस्टर हैं, उसको बताया था, देखे हाँ ये चाची जैसा लगता है फोटो, पहले नहीं था। और फिर खाने के लिए बैठे, रात को खाने के लिए बैठे सब पंगत में, तो तरकारी बनी हुई थी, एक रोटी बनी हुई थी, गरम गरम रोटी। बंगाल में तो रोटी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, गरम गरम रोटी, गोल फूली हुई रोटी। और मैं सोच रहा था नहीं खाऊंगा, उल्टी हो जाएगा, क्या मालूम माँ के यहाँ पे आएगा तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। और बिना मिर्च की तरकारी, बैंगन की तरकारी, गरम गरम रोटी, 2-3 पेट पेट भर के उस पेट में खाया, जैसे घर में बैठ के खा रहे हैं अच्छी तरह खा, सबके साथ बैठ के बड़े आनंद से खाए। तो ये मैंने कभी कभी बोलता हूँ ये एक्सपीरियंस, कि हमारी माँ हैं, हमारी माँ हैं। उनके दूसरे भी फोटो, ये तो खैर पूजा का फोटो हो गया है, माँ के कई फोटो है ना, हाँ ये तो इतने सारे फोटो हैं। वो तो मेरे पास कमरे में एक बड़ा फोटो है, माँ बैठी हुई है, वो थोड़ा एज का फोटो है, पैरों नीचे पैर बैठे कर बैठे हुए हैं, समाधि में बैठी हुई है। फिर यहाँ पे भी कमरे में यू नो ये वहाँ पे जो विसर्जन वहाँ पे माँ खड़ी हुई है, इतना सुंदर फोटो लगा है। तो माँ तो माँ ही हैं, उसको क्या करें। और ये एक्चुअली अगर थोड़ा सा देखें तो मैं समझता हूँ कि माँ शारदा अवतार वरिष्ठा हैं। आप लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। देखिए पहले अवतार मत्स्य अवतार, मछली यानी वो विकास की दृष्टि से, प्राणियों के विकास की दृष्टि से देखिए मछली सबसे का अविकसित प्राणी। दूसरा है कछुआ, तो थोड़ा सा चलने लग गया। तीसरा हुआ सुअर, वानर यानी निम्न कोटि का पशु। चतुर्थ है सिंह, नरसिंह। पांचवा छोटा मानव, वानर। छठा रौद्र मानव, गुस्से वाला मानव, परशुराम। सातवा राम, वो युद्ध करने वाला राम, वो भी लड़ाई बड़े राम। आठवा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वो भी अब मधुर हो गया है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण चक्र है, लोगों का संहार वगैरह भी चल रहा है। उसके बाद में बुद्ध,
बुद्ध, लेकिन बुद्ध ने भी वैदिक धर्म इत्यादि की निंदा की, ये हुआ। और श्री रामकृष्ण किसी की निंदा नहीं की, ये भी एक मार्ग है, किसी की निंदा नहीं की, हाँ सबका समावेश। लेकिन थोड़ा आगे जाके देखें, ठाकुर ने माँ ने क्या कहा था, ठाकुर ने क्या कहा था, माँ ने क्या कहा था, ठाकुर का मातृभाव था, ठाकुर अभी भी पुरुष हैं, थोड़ा सा पुरुष भाव, मोटा भाव किसे, दृढ़ भाव जैसे कह सकते हैं, वो है। वो ठाकुर क्या चाहते थे, वो मातृभाव था उनका, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे छोड़ गए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मैं यही मतलब है ना कि ठाकुर अवतार हैं, लेकिन अवतार की पूरी अभिव्यक्ति जब तक माँ नहीं हो तब तक नहीं होता। और कैसी माँ, वो अभागा है जिसकी मैं माँ नहीं हूं, यानी सब मेरे बच्चे हैं। बार बार कहा है माँ ने इस चीज को, यानी भगवान यदि अवतार लेंगे माँ के रूप में, तो माँ शारदा के रूप में ही लेंगे और नथिंग। ये अवतार वरिष्ठा, हाईएस्ट अवतार, इसके बाद अब अवतार नहीं होगा। अब कल्पना कीजिए कोई अवतार हो सकता है, अवतार इसके अलावा कोई अवतार होते, मैंने अभी इस एनालिसिस में अब कहीं भी लगा दीजिए तो कोई युद्ध करने वाला अवतार बन जाएगा, आकर रॉकेट चलाने वाला अवतार बनेगा, मोबाइल फोन वाला अवतार बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि माँ शारदा अवतार वरिष्ठा हैं, उच्चतम, और भगवान का विकास का उच्चतम प्रकाश यदि है तो माँ शारदा, कोई भी तो मेरी विपरीत नहीं, किसी को तो माँ ने कुछ नहीं कहा। एक वो हरीश को भी ठीक किया और कुछ नहीं किया, उसको मारा तो नहीं, एक ट्रांसचार लगा दिया और उसका दिमाग ठीक कर दिया, वो एक शॉक ट्रीटमेंट जो हम मेडिकली देते हैं वही दिया माँ ने, और तो कुछ नहीं किया। माँ भी एक बच्चे को मारती है, अपने पुत्र को मारती है, तो उसके अच्छे के लिए करती है, इसी के लिए किया। तो अवतार वरिष्ठा माँ शारदा है, ये मैंने कहीं लिखा भी था, कहीं पे एक छोटा सा एक लेख भी जैसा है, मैंने कहा है कि ठाकुर से अधिक माँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Hey.